बलिया में निर्भया के गांव वाले अनिश्चितकालीन धरने पर बैठकर सीएमओ को हटाने की क्यों कर रहे हैं मांग, देखिए इस रिपोर्ट में। धरने पर निर्भया का गांव, सीएमओ पर कार्रवाई की मांग। निर्भया पर दिया था विवादित बयान, दादा के साथ की थी बदसलूकी, तस्वीर गुस्से की है। दिल्ली में दरिंदों का शिकार हुई निर्भया के गांव की है। यहां निर्भया के नाम पर अस्पताल बना, लेकिन अस्पताल में सुविधाएं नहीं हो पाई, जिससे नाराज होकर निर्भया के दादा और गांव धरने पर बैठ गया। इसी बलिया के सीएमओ का बदसलूकी का मामला सामने आया। इतना ही नहीं, सीएमओ ने निर्भया पर भी अभद्र बयान दिया। अब सीएम साहब के इस बर्ताव को लेकर निर्भया के दादा का साथ देने के लिए पूरा का पूरा गांव ही धरने पर बैठ गया है। कि डॉक्टर दीजिए, हम नियुक्ति करेंगे अपने गांव से कोई, हमारे तो निर्भया बिटिया थी, क्या करें, लोगों ने उसकी हत्या कर दी, तो क्यों आप भेजे वहाँ पर, पता, यही कोई सवाल है, उठपटांग सवाल पूछना है, तुमको शर्म नहीं आती है, तुम्हारी लड़की के साथ ऐसा व्यवहार तो क्या करोगे, क्या करोगे, किसी के साथ तो होगा ये, हम वो हमारी लड़की नहीं, पूरे देश की लड़की थी। मांग यही है कि उसको यहाँ से एकदम, यहाँ से खाइए एकदम हटा दिया जाए, बोलिया बिस्तर बंद करो जाए, सीएमओ के पद पर रहने लायक नहीं है। लेकिन दिल्ली में निर्भया कांड के बाद निर्भया के गांव विकास के बड़े बड़े दावे किए गए, उन्हीं दावों में से एक नए प्राथमिक चिकित्सालय का निर्माण भी था। दरअसल निर्भया डॉक्टर बनना चाहती थी और अपने दूर दराज के गांव में लोगों की सेवा करना चाहती थी। उसी की याद में बनाया गया ये चिकित्सालय दुर्व्यवस्था का शिकार हो गया, जहाँ ना डॉक्टर है और ना दवा। ऊपर से सीएमओ साहब के तेवर भी देख लीजिए। फालतू बात ना करिए, बोलिए। जो यहाँ गांव में ताकत नहीं है डॉक्टर डॉक्टरी पढ़ने की, तो डॉक्टरी की उम्मीद कैसे कर रहे हैं, पैदा नहीं होंगे तो कहाँ से होंगे, पैदा ना होंगे, नया नया अस्पताल बनाना हमारे डॉक्टर का काम नहीं है, हर साल हमारा काम डॉक्टर का काम अस्पताल बनाना नहीं है, डॉक्टर का काम डॉक्टरी पढ़ के डॉक्टरी में जाना, समझे, पूरे गांव में डॉक्टर तो होंगे नहीं, और बतिया रहे हैं बड़े बड़े बात, हमारे डॉक्टर को तो आप ले लिए, कहाँ के जिंदगी ले लिए, निर्भय का नाम नहीं सुना है, कहाँ दिल्ली भेज दिए थे, दिल्ली कहाँ भेज दिए, यहीं दिल्ली कहाँ कहीं को भेज दिए। अब गांव वालों में गुस्सा है साहब के बेतुके बयान से, अब कार्रवाई की मांग गांव वाले कर रहे हैं। सीएमओ साहब को पहले तो बोलने नहीं आ रहा है, ये सीएमओ हो कैसे गए, ये इतना शर्मनाक बयान दिए हैं कि अब हमें डॉक्टर पैदा करें। ये भी कहा गया कि एक लड़की तो हम लोग डॉक्टर बना ही दिए थे, तो लेकिन दरिंदों ने उसके साथ जो व्यवहार किया तो हम लोग हाथ से निकल गई। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने दिल्ली भेजा क्यों, कहा आखिर क्यों, कहाँ पढ़ाने के लिए भेजा गया। सरकार महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए सशक्तिकरण की बात करती है और ऐसे अधिकारी महिलाओं के खिलाफ बात करता है। ऐसे अधिकारी को अपने पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है, इसको तत्काल सेवा मुक्त करना चाहिए। इसी बयान को लेकर अब निर्भया के दादा के साथ ही पूरा गांव धरने पर बैठ गया है। सवाल ये उठता है कि एक वरिष्ठ अधिकारी को ऐसा बोलने का हक दिया किसने। ग्रामीणों की समस्या सुनने और उनका समाधान निकालने के बजाय सीएमओ साहब गांव वालों से उलझते नजर आए और उनके इसी बेतुके और शर्मसार करने वाले बयान ने सिस्टम के साथ ही जिम्मेदारों की कार्यशैली पर सवालिया निशान भी खड़ा कर दिया है। बलिया से मुकेश मिश्रा, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।